नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कुछ कहानियाँ वो होती हैं जिन्हें हम खुद लिखते हैं, और कुछ होती हैं पौराणिक कथाएँ, हमारे धर्म से जुड़ी अमूल्य धरोहर। आज वैसी ही एक पौराणिक कथा लेकर मैं छाया वर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहुत पहले उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक एक गण के साथ उनकी गहरी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमयी चिंतामणि उपहार में दी। राजा ने इस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। मणि का प्रभाव ये हुआ कि राजा का प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूर देशों में उनकी कीर्ति भी तेजी से फैलने लगी। फिर तो उस प्रभावी मणि को पाने के लिए दूसरे कई राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की, किंतु राजा चंद्रसेन ने वो प्रिय चिंतामणि किसी को नहीं दी। अंत में कुछ मणि आकांक्षी राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब शिव भक्त राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधि में लीन थे, तब वहाँ एक विधवा गोपी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ दर्शन के लिए आई। ध्यान मग्न राजा को देखकर बालक भी शिव पूजा की ओर प्रेरित हुआ। फिर बालक ने कहीं से एक पत्थर लाकर उस पर बैठकर बड़े भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा आरंभ की। कुछ देर पश्चात उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं आया। माँ ने फिर आवाज़ लगाई, वो फिर नहीं आया। जब माँ उसे स्वयं बुलाने आई तो देखा बालक ध्यान मग्न बैठा है और माँ की आवाज़ ही नहीं सुन रहा। क्रुद्ध होकर माँ ने उसे पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। जब ध्यान टूटा तो बालक अपनी बिखरी हुई पूजा सामग्री देखकर बहुत दुखी हुआ। तभी उसकी व्यथा की गहराई से एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा सामग्री यथावत थी। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत चकित हुई। राजा को जब इस चमत्कार के विषय में पता चला तो वो फौरन उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचा। मणि के लिए युद्ध पर उतारू अन्य राजा भी वहाँ पहुँच गए। सभी ने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी और सब मिलकर बड़े भक्तिभाव से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए। उन्होंने गोप बालक को गोद में लेकर सभी राजाओं एवं उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस गोप बालक ने किसी अन्य को
शिव पूजा में लीन देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना करके शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया। यह परम शिव भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। यह बालक अनंत सुखों को भोगकर मृत्योपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का आठवां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। सारा शहर बराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है। नैनाभिराम साज सज्जा के बीच एक उत्सव धूमधाम से संपन्न होता है। भगवान शिव की यह नगरी भक्ति रस में आकंठ डूबी हुई नजर आती है। तो ये थी आज की सावन विशिष्ट कथा। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।